हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन और मैं हूं सुधीर। तो दोस्तों, हमने नया चैनल बनाया यूट्यूब पे जिसका नाम है टू इंडियंस इन जापान। तो यार, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे हम आपको जापान में जापान से रिलेटेड आपको वीडियोस हम इस चैनल पे डालते रहेंगे, तो आपका प्यार चाहिए और पीछे से सब्सक्राइब करना ना भूले। तो यार दोस्तों, प्लीज यार आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यार टाइम 12:10 हो चुके हैं, तो यार वैसे तो ट्राई तो हम यही कर रहे थे कि यार ब्रेकफास्ट की वीडियो बनाए, लेकिन ऑलमोस्ट लंच का टाइम हो गया। तो फिर अभी हम जा रहे हैं टोक्यो जापान के गिंजा मेट्रो स्टेशन के पास निवराणम रेस्टोरेंट में, जो कि बहुत ही अच्छा खाना बनाता है। बिल्कुल यार, हम दोनों तो जा रखे हैं, लेकिन यार पता है हमारा एक फ्रेंड और है विराट नाम से, जिसने यार आज तक मतलब कि इंडियन फूड इतना अच्छा नहीं खाया शायद, और शायद मिलता भी नहीं है कहीं और पे। तो आज हम उसके साथ उसको भी लेकर जाएंगे, उसका रिएक्शन देखेंगे कैसा रिएक्ट करता है वो आज। तो फिर यार वो अभी तो हमारे साथ है नहीं, लेकिन ना वो हमें वहीं पे उसी स्टेशन पे मिलेगा टोक्यो टावर पे खड़े। टोक्यो टावर के सामने यार एक ना मंदिर है, वहाँ पे खड़े है। बाकी यार सुधीर भाई अब बताएंगे आपको इसके बारे में ज्यादा अच्छे से। ये टोक्यो टावर है, ये मतलब वर्ल्ड में बहुत फेमस टोक्यो टावर है, आप देख सकते हो ये बहुत ही प्यारा। और मेरे पीछे दशहरा मंदिर भी है जहाँ डेली लोग हजारों लोग आते जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर है, मतलब लोग बाहर से विदेश से यहाँ विजिट जरूर करते हैं। इन फ्यूचर आप जापान का आना हो तो विजिट करना ना भूलिएगा, बहुत ही सुंदर है। विराट भाई हमसे भाई अभी अभी मिले हैं, खाने खिलाने। जैसे कि हमने शुरू में बताया थे, इन्होंने अभी तक जापान में अच्छे इंडियन खाना नहीं खाया, तो इनकी वो जो दिमाग में फिट हुआ उसको दूर करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हो कि 7th फ्लोर पे भाई 7th फ्लोर पे हाँ लॉफ्ट रेस्टोरेंट है, तो हम रेस्टोरेंट आपको मिल जाते हैं वहाँ पे और मिलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। ओके बाय। दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ी मतलब की ग्रेवी टाइप की चटनियाँ वटनियाँ मिल जाएंगी, यहाँ पे सैलेड्स मिल जाएंगी, ये वड़ा पाव, वड़ा यहाँ पे वड़ा पाव मिल जाएगा, इडली है, इडली भी मिल जाएगी, दाल मखनी है, सांभर है, दाल मखनी है, दाल मखनी है। ये भाई हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पे वेज कोटू और ये केरला चिकन करी, कोटू और केरला चिकन करी भाई देख लो। ये देखना, ये लेमन चिकन है और ये कढ़ाई मटन चिकन है, ये कढ़ाई मटन है, कढ़ाई मटन और यहाँ पे मीठे भाई देख कर तो बड़ा मतलब ये डेजर्ट है। हाँ जी, और ये हम आपको दिखाना चाहते हैं, इसमें राइस भी है। ये भाई इधर राइस है, बहुत ही अच्छी महंगा रही खाने में, बहुत अच्छा भाई देख कर तो बड़ा टेस्टी लग रहा। आप देखते फिर भाई कैसा रिएक्शन रहता हमारे विराट भाई का। ये हमारा विराट भाई है भाई, इसने तो स्टार्ट भी कर दिया बिना आई, मतलब कि अभी तक खाना लेकर भी नहीं आया, लेकिन फिर भी भाई पहले भाई ने कर दी पानी पूरी स्टार्ट। भाई कैसी है भाई? बहुत बढ़िया। खा के दिखो भाई। बहुत बढ़िया। ओह कैसी भाई, मजा आ गया? बहुत लगी
फिनिश कर दिया है। और भाई तो भाई लेते हैं भाई विराट से थोड़ा मतलब कि रिएक्शन की, विराट भाई को कैसा लगा आज यहाँ पे पहली बार आके? विराट भाई बताओ थोड़ा यार कैसा लगा? खाना बहुत बढ़िया है भाई, एकदम इंडिया जैसा खाना है, जैसे माँ के हाथों का बना हुआ खाना, बहुत ही अच्छा है। अच्छा मतलब इसमें इंडियन स्पाइस होते हैं जो बिल्कुल वही डले हुए हैं और एकदम बिल्कुल इंडियन स्वाद है, मज़ा आ गया, लजीज खाने एकदम। तो भाई आपने देखा यार कैसे भाई विराट भाई को भी और सुधीर भाई को भी बहुत अच्छा लगा यहाँ का खाना। तो यार अगर आप इंडियन स्टाइल में खाना खाना चाहते हैं टोक्यो जापान में, आप यार यहाँ पे आके खाइए। लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और ये गिंजा मतलब कि गिंजा आपने शायद नाम सुना भी हो, गिंजा टोक्यो में पड़ता है, यहाँ वहीं पर मतलब कि इसकी वो लोकेशन है, फेमस और बहुत सुंदर एरिया है यहाँ, बहुत आपको हर चीज़ की ब्रांड कपड़े सब चीज़ आपको गिंजा में मिल जाएगी। हाँ तो आप अगर आप वीकेंड पे आ रहे हो तो फिर यहाँ से आप लंच करके फिर कहते हैं घूमने भी कहीं मतलब कि आसपास जा सकते हो। यहाँ की नाइट लाइफ गिंजा की बहुत सुंदर है, तो अगर आना, पहले मैंने आपको बताया था टोक्यो टावर, टोक्यो टावर आने के बाद सीधा गिंजा जरूर आना है, नाइट लाइफ बहुत सुंदर, बहुत अच्छी है। तो यार हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, अगर आपको वो वीडियो देखनी है और ये वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो यार सब्सक्राइब करना ना भूलना, कर लेना भाई, और भाई कर देना लाइक वीडियो को। ओके भाई थैंक यू यार, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू भाई, बाय। अरे भाई ये बहुत ही सुन लेता है, थैंक यू भाई।